देखिए, उन लोगों ने अगर उन लोगों के बस की होती तो राम कब का आ जाते। नहीं, उनके लोगों के बस की नहीं है तो राम अब आ रहे हैं। कहते हैं ना, कुछ शादियों में कई जो फूफा और चाचा होते हैं ना, जो नाराज रहते हैं, तो वैसे फूफा और चाचा बन के रहे हैं वो। जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं जो यहाँ पे हमें इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोगों के भी पुण्य कर्म है, तो इस टाइम पे मुझे लगता है हमें सबको सिर्फ राममय होना चाहिए और सिर्फ उसी पे ही फोकस करना चाहिए। कंगना रनौत को आप देख सकते हैं लगातार वो वीवीआईपी गेट से दर्शन करने के लिए जो है वो अंदर जा रही है। और अरे भाई, हेलो, समझ नहीं आ रहा क्या जी? जिस तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ शुरू हो चुका है और एक एक कर जो राम मंदिर प्रांत उच्च समारोह में जो शामिल होने वाले जो गेस्ट हैं, जो मेहमान हैं, वो यहाँ पहुँच रहे हैं और वो जो है वो यहाँ पहुँच चुके हैं। कंगना रनौत मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि जय जय श्री राम। ये कंगना रनौत वीआईपी गेट है वो यहाँ उतरी है और पिछाड़िए आप लोग, पिछाड़िए प्लीज, पिछाड़िए, अरे पिछाड़िए, चलो और कंगना के साथ उनकी देखिए बहन भी मौजूद है, इनको भी जो है प्राण प्रतिष्ठा का न्योता मिला है। कंगना जी, कंगना जी, कंगना जी, कंगना जी कैसा लग रहा है अयोध्या में? आप कभी अभी कहाँ पे आइडिया नहीं है? यहाँ पे हम लोग वीआईपी गेट आए हैं। हाँ, वीआईपी से। एक आदमी बोला अजय तुम कहाँ आते हो? जय श्री राम। तो देखिए कंगना रनौत जो है वो दर्शन के लिए जो है पहुंच चुके हैं। तो देखिए जो कंगना रनौत है वो दर्शन के लिए जा रही है, हालांकि उन्होंने कुछ बोलने से अभी मना कर दिया है और वो कह रही है कि जैसे ही वो आती है वो मेन गेट से जो है वीआईपी गेट से वो एंट्री कर रही है और वो कंगना जी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने आई है। कंगना रनौत जो है वो हनुमानगढ़ी के दर्शन करके वापस निकल रही हैं और उसी वीवीआईपी गेट से वो बाहर निकलेंगी और
क्या राम भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है उसमें शामिल होने के लिए वो वापस यहाँ आए हैं और हनुमानगढ़ी से थोड़ी देर में वापस जाएंगी। तो बात करने की कोशिश करते हैं कि बात करने की कोशिश करते हैं कंगना जी से। कंगना जी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने वाली है। मुझे लगा मत देना, अभी गाड़ी में चलते हैं। देखिए आप सब यहाँ पे हैं और आप सब ये साक्षी हैं कि पूरी अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है। हर जगह फूलों की जो है वो मालाएं लग रही हैं, फूलों से डेकोरेशन हो रहा है, हर जगह यज्ञ हो। हम भी अभी राम भद्राचार्य जी के वहाँ पे जो हनुमान यज्ञ सामूहिक यज्ञ कई हजार पंडित जो है यज्ञ कर रहे हैं वो उसमें हिस्सा लिया, भजन कीर्तन हर जगह चल रहा है, तो सब राममय हो गए हैं और एक तरह से एक ऐसा लगता है सब देवलोक में पहुंच गए हैं। कई सारे लोग नहीं आ रहे हैं, राहुल गांधी कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, ममता बनर्जी की बात करें, उन लोगों ने नकार दिया इस कार्यक्रम को, कह रहे भाजपा का कार्यक्रम है। देखिए उन लोगों ने अगर उन लोगों के बस की होती तो राम कब का आ जाते, नहीं उनके लोगों के बस की नहीं है तो राम अब आ रहे हैं, तो उसका भी कोई रीजन है। और हमारे लिए तो ये राममय होने का वक्त है। जिनको नहीं आना है वो कहते हैं ना, कुछ शादियों में कई जो फूफा और चाचा होते हैं ना जो नाराज रहते हैं, तो वैसे फूफा और चाचा बन के रहे वो नाराज रहे। कार्यक्रम है उधर राहुल गांधी की यात्रा भी शुरू हो गई जी। मुझे अयोध्या आके बहुत ही ज्यादा मेरे दिल को बहुत ज्यादा एक मैं कहूंगी कि इतना ज्यादा अच्छा अनुभव रहा है और बहुत ही सुकून है अयोध्या में। और एक एक तीर्थ है, बहुत ही जन्मों के पुण्य कर्म होते हैं जो यहाँ पे हमें इस तरह का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप लोगों के भी पुण्य कर्म है, तो इस टाइम पे मुझे लगता है हमें सबको सिर्फ राममय होना चाहिए और सिर्फ उसी पे ही फोकस करना चाहिए। मैं कुछ महीने पहले भी आई थी अपनी फिल्म की एक इवेंट के लिए और वहाँ पे अचानक से एयरपोर्ट आ गए हैं, अचानक से इतना सब कुछ हो गया है, तो हमारे जो भी ऑर्गेनाइज जिन लोगों ने किया है उन लोगों के भी बहुत एक मेहनत कहेंगे या एक उन लोगों ने जोर लगा के जो काम किया है ये असाधारण काम नहीं है, उनको भी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। तो ये कंगना रनौत थी जो दर्शन करके वापस आई, उन्होंने बोला कि जो जिनको प्रभु श्री राम ने बुलाया है वो ही जो है यहाँ आए हैं और उनका सौभाग्य कि वो यहाँ ही है। पंजाब की सीटीवी हनुमानगढ़ी अयोध्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।